गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर 8 बताया जा रहा है। ठीक है, पेज नंबर 55 जो अब इससे बैलेंस डाइट जो दिया गया है टॉपिक, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैलेंस डाइट संतुलित जो आहार है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। और उसके पहले जो भी आपको सारा बता दिया गया, ठीक, आइए देखते हैं। ए डाइट दैट कॉन्टेन द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स फॉर फूड हेल्थ इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। देखिए बेटा, बैलेंस डाइट किसे कहेंगे हम, कि जो कि क्या हो, ऐसा डाइट प्लान यानी ऐसा आहार जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व, जैसे कौन कौन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सब यानी सभी मात्रा में उसमें जो मौजूद रहेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट, जो कि क्या करेगा, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा वह क्या कहलाता है, संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहलाता है, है ना। संतुलित आहार क्या कहलाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कि ऐसा आहार जिसमें कि सभी पोषक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल्स, ठीक है ना, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें जो कि हमारे स्वास्थ्य को क्या बनाता है, बेहतर बनाता है या फिर अच्छा बनाता है, वह क्या कहलाता है, वह संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहलाता है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव ए बैलेंस डाइट। देखिए, संतुलित आहार से क्या होगा, महत्वपूर्ण हमारा यानी कि बहुत अच्छे से हमारा ग्रोथ होता है। क्या होता है, संतुलित आहार करने से हमारा जो ग्रोथ होता है वह कैसा होता है, अच्छा होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमारा ग्रोथ होता है संतुलित आहार करने से। ठीक, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना देखिए कैसे है। द फूड दैट वी ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। भोजन जो है हम खाते हैं, जो हम लोग भोजन खाते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से एनर्जी में प्रोवाइड नहीं होता है। यानी जो हम लोग भोजन करते हैं या जो हम लोग खाने के जरिए भोजन कर रहे हैं वह प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से वह एनर्जी नहीं देता है। कैसे देता है, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड। वह कैसे, वह छोटे यानी कि वह सिंपल कंपाउंड यानी कि साधारण मिश्रण में हो, क्या कंपाउंड में हो, ब्रोकन यानी टूट जाता है। ठीक है, टूटता है वो कैसे, जैसे कोई खाना खा रहे, रोटी खाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो रोटी बनी हुई है उसको सीधे हम ले जाते हैं अंदर, उसको पहले क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में हम उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं उसको। ठीक है, फिर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। देखिए, यह जो प्रक्रिया है किसकी, यह जो प्रक्रिया है हमारी, जो जटिल को तोड़ने की, यानी भोजन जो जटिल है उसको तोड़ने की, यानी सिंपल और सॉल्युबल पचने योग्य पदार्थ में सॉल्युबल पदार्थ में बदलने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है, यानी कि पाचन कहलाती है। ठीक है, दिस सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी एब्जॉर्ब बाय दिस ब्लड। देखिए, जो सिंपल सॉल्युबल जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है सिंपल सॉल्युबल, वह हमारा एब्जॉर्ब करता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ब्लड के द्वारा वह क्या करता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पचने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम देखेंगे आज। व्हेन यू टेक ए सॉलिड फूड, जब हम कोई ठोस भोजन लेते हैं, जब हम सॉलिड फूड लेते हैं यानी जो कोई ठोस भोजन लेते हैं, तो प्रोसेस थ्रू अवर शार्प बिटिंग टीथ इन फ्रंट कट इन एंड टीथ ट्यू द फूड। तो क्या होता है, हमारे जो फ्रंट के जो दांत हैं वह उसको क्या करते हैं, काटते हैं। जो हमारे सामने के दांत हैं वो क्या करते हैं, उसको काटते हैं। फिर उसके बाद एंड टीथ ट्यू द फूड, और दांत क्या करता है, भोजन को फिर चबाता है ना। यदि कोई ठोस हम भोजन लेते हैं तो पहले जो हमारा फ्रंट का जो टीथ है वो उसको क्या करेगा, काटता है। फिर उसके बाद हमारा दांत क्या करता है, उसको चबाता है। ठीक, ए डाइजेस्टिव जूस सिल्वा मिक्स विद द फूड, इट चेंज द स्टार्च इनटू द शुगर। देखिए, डाइजेस्टिव जूस सिल्वा जो, देखिए उसमें जो हमारा मतलब मिक्स होकर के जो पदार्थ बनता है, जो लिक्विड पदार्थ बनता है,
सिल्वा बोलते हैं, ठीक है। वो जो जूस सिल्वा है मिक्स विद द फूड, भोजन में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जो लार हमारा है वह क्या होता है, भोजन में मिक्स हो जाता है, ठीक है। इट चेंज द स्टार्च इनटू द शुगर, वह क्या चेंज करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, बदल देता है, ठीक है। एंड जो लार है हमारा वह भोजन के साथ मिक्स हो जाता है और वह स्टार्च को शुगर में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। अब देखिए, दैट इज वाई स्टार्ची फूड लाइक ब्रेड एंड राइस टेस्टी स्वीट। दैट इज वाई, क्यों स्टार्ची फूड लाइक ब्रेड, जैसे ब्रेड और राइस टेस्ट स्वीट, उसका जो टेस्ट होता है कैसा होता है, स्वीट, ठीक है। इन साइड द स्टोमच, आइए देखते हैं इन साइड द स्टोमच क्या होता है, पेट के जो इन साइड बगल में जो है, फ्रॉम द माउथ ऑफ फूड पासिस थ्रू द फूड पाइप इन टू द स्टोमच। देखिए, जो मुंह में हमारा जो भोजन रहता है वह किसके थ्रू पेट में जाता है, फूड पाइप के जरिए, यानी कि ग्रास नली, ग्रास नली के जरिए जो मुंह का हमारा भोजन है वह पेट में पहुंचता है, ठीक है। भोजन जो हमारा मुंह में पड़ा हुआ है वह किसके द्वारा पेट में पहुंचता है बेटा, ग्रास नली के द्वारा, यानी फूड पाइप के जरिए वह पेट में पहुंचता है। फिर देखिए, आवर स्टमक इज ए हॉलो बैग, जो हमारा पेट है वह कैसा है, हॉलो बैग की तरह है, मेड ऑफ मसल, जो कि किससे बना हुआ है, मसल्स से बना हुआ है, यानी मांस से बना हुआ है। किससे बना हुआ बेटा, जो हमारा पेट है वह हॉलो बैग की तरह है और किससे बना हुआ है, मसल्स से बना हुआ है। हेयर द फूड इज चर्न एंड मिक्स विद सेवरल डाइजेस्टिव जूस विद ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म। देखिए, जो कि क्या करता है, भोजन को मंथन करता है, क्या करता है, सर्वस मंथन करना है, मिक्स विद सेवरल डाइजेस्टिव जूस, और क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूस है उसको उसमें क्या करता है, मिक्स करता है विथ ब्रेक डाउन द प्रोटीन, और क्या करता है उसको, जो कि प्रोटीन तोड़ता है उसको, प्रेजेंट इन द फूड, यानी भोजन में जो प्रोटीन की मात्रा है उसको क्या करता है, वो तोड़ता है इनटू द सिंपलर फॉर्म, किसमें, सिंपलर साधारण फॉर्म में वो उसको बदलता है। देखिए, इनसाइड द इंटेस्टाइन, ठीक है, आंत के बगल का देखिए, आंत जो है, फ्रॉम द स्टोमच द फूड इज पुशेड इनटू लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत देखिए किसको कहते हैं, फ्रॉम द स्टोमच यानी पेट से जो भोजन है हमारा पुश इनटू द लॉन्ग कॉइल, जो मतलब जाता है लॉन्ग कॉइल के जरिए, ट्यूब के जरिए, जिसे क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कही जाती है। दिस इनसाइड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस ए जूस दैट मिक्स विथ फूड, जो इस छोटी आंत के बगल का जो दीवार है वह क्या करता है, वो जूस को मिक्स करता है किसके साथ, भोजन के साथ उसे मिक्स करता है। द लीवर एंड पैनक्रीज आल्सो प्योर देयर जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पैनक्रीज वो क्या करता है, वह भी हमारा हमारे जूस को क्या करता है, प्योर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत के जरिए। दिस जूस मिक्स विद द फूड एंड कन्वर्ट इन इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस, वे जो जूस है उसको क्या करते हैं, भोजन के साथ मिक्स करता है एंड बदलता है, कन्वर्ट करता है इन टू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस, इसमें साधारण पचने योग्य जो पदार्थ है उसमें वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी उसको वो बदल देता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड हियर, यहाँ पर पाचन की जो प्रक्रिया है वह क्या होती है, कंप्लीट होती है। यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक ए लिक्विड, जो पचने योग्य भोजन जाता है वह ऑलमोस्ट या ज़्यादातर कैसा होता है, लिक्विड की तरह दिखता है, कैसा दिखता है, जैसे होता है लिक्विड की तरह होता है, ठीक। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, द ब्लड कैरी द फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स, द ब्लड वेसल यानी जो रक्त का थैला है प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत के दीवार में क्या प्रेजेंट उपस्थित है, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, जो कि क्या करता है, पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करता है यानी अवशोषित करता है। द ब्लड कैरी द फूड, भोजन क्या, अरे ब्लड क्या करता है, भोजन को ढोके ले जाता है टू द डिफरेंट पार्ट, यानी कि अलग अलग भागों में ऑफ द बॉडी विच नीड इट, यानी हमारे शरीर के जिस जिस पार्ट में उसकी आवश्यकता होती है ब्लड क्या करता है, वह उसको ढो करके लेकर के जाता है यानी पहुँचाता है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी याद की बात में देखिए, जो हमारा जो पचा हुआ भोजन नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन नहीं है, वह पास होता है कहाँ,
में लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में वह क्या होता है, पास हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में जो पचा हुआ है उसको अवशोषित कर लेता है वो ब्लड, जो कि फिर वो क्या करता है, पहुँचाता है, और ना पचे हुए भोजन को वो क्या कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, इन साइड द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के बारे में देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन इज मच वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जो बड़ी आंत है वह चौड़ी होती है एंड छोटी होती है किसके देन, छोटी आंत की अपेक्षा। इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड वेस्ट, यानी जो भोजन जो वेस्ट है उसका जो वाटर है उसे वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है एंड कैरी इट टू द किडनी, और कहाँ ले जाती है उसे ढो करके, किडनी में ले जाती है। ठीक, दिस वाटर फ्रॉम किडनी गोज आउट ऑफ द बॉडी एज ए यूरिन, और जो किडनी है वह क्या करती है, उस पानी को हमारे शरीर से बाहर निकालती है किसके जरिए, यूरिन के जरिए। ठीक है, यूरिन के जरिए किडनी क्या करती है, हमारे जो 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 पचे हुए भोजन नहीं है उसमें से पानी को अवशोषित करके किडनी हमारा क्या करती है, शरीर से उसे बाहर निकालती है यूरिन के जरिए। ठीक, द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट, और जो बचे हुए जो शेष हमारा सॉलिड वेस्ट है गोज आउट ऑफ द बॉडी एज स्टूल थ्रू द एनस, और वह हमारे शरीर से बाहर निकलता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। गुड ईटिंग हैबिट्स, भोजन करने की अच्छे जो हैबिट्स हैं उसके बारे में देखिए। पहला है ईट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, हमें भोजन करना चाहिए हमेशा कैसे, नित्य दिन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम की उसे, यानी कि टाइम टू टाइम इंटरवल, यानी कुछ समय बाद उसे इंटरवल में क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। नेवर ईट इट बिटवीन द मील्स, नेवर ईट इन बिटवीन द मील्स, यानी कि कभी भी मील्स के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक, च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वाइविंग, यानी कि हमें भोजन को पहले निगलने से पहले क्या करना चाहिए, उसे चबाना चाहिए। भोजन को निगलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसे चबाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, तीसरा पॉइंट है डू नॉट ओवर ईट, हमें कभी भी अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी अधिक भोजन ओवर भोजन नहीं करना चाहिए। इट कॉसेस अनइर्सनेस एंड इनडाइजेशन, इससे क्या होता है, इससे हमारा पाचन खराब हो सकता है ना। चौथा जो पॉइंट है इट लॉस्ट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियां और फलों को खानी चाहिए। हमें किसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए, हरी सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। ठीक, यू शुड वॉश योर माउथ, हमें मुँह को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए एंड क्लीन योर टीथ, अपने दांतों को साफ करना चाहिए आफ्टर एवरी मील्स, प्रत्येक भोजन को, यानी प्रत्येक भोजन को लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने मुंह को धोना चाहिए और दांतों को साफ करना चाहिए। ठीक, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मात्रा में हमें पानी को क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। ठीक है, प्रिपेयरिंग फूड, आइए भोजन बनाने की जो प्रक्रिया उसे देखते हैं। ओनली फ्यू काइंड्स ऑफ फूड लाइक फ्रूट सम वेजिटेबल एंड नट्स आर ईटन रॉ, केवल कुछ ही भोजन के प्रकार होते हैं जैसे कि फल है, कुछ हरी सब्जियां हैं। ठीक है, नट्स आर ईटन रॉ, जो कि हमें क्या कहा जाता है, रॉ के रूप में उसे खाया जाता है, यानी कि उसे बिना बनाए कच्चे ही खाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, और ज़्यादातर जो भोजन होता है वह क्या होता है, भोजन पकाने के बाद उसे खाया जाता है, उसे पकाने के बाद का कुछ जो होता है वह रॉ के रूप में ही, यानी कि वैसे ही उसे खाया जाता है, कुछ जो होता है पका करके खाया जाता है। ठीक है, सम फूड सच एज राइस एंड पोटैटोज आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, कुछ भोजन जैसे कि चावल और पोटैटोज, यानी कि टमाटर जो है, ठीक है, और आलू, सॉरी टमाटर वो आलू पोटैटो की बात की जा रही है, उसे कैसे खाते हैं, पकाने के बाद। टोमेटो तो हम ऐसे ही खा जाते हैं, तो टोमेटो जो है उसे बिना पकाए भी हम खा सकते हैं, बट पोटैटो क्या है, उसे हम पका के ही खा सकते हैं। ठीक है, देखिए एडवांटेज ऑफ कुकिंग फूड, भोजन पकाने से देखिए लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। पहला है कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, पकने के बाद भोजन क्या हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, कैसा रहता है वो, पकने के बाद वो टेस्टी हो जाता है। सेकेंड जो है कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, पकने के बाद भोजन कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिससे कि पचने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, थर्ड जो है कुकिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, पकने के बाद जो भोजन में जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं,
वह क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी कि किल साथ मर जाते हैं वो। इट मेक द फूड अ हार्मलेस, इससे वह भोजन क्या हो जाता है, नुकसान का इसे बच जाता है, ठीक है, इससे हमारा भोजन को नुकसान नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया एडवांटेज ऑफ कुकिंग फूड, वे ऑफ कुकिंग फूड, दे आर वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग फूड, समार गिवेन बिलो। देखिए भोजन पकाने के वेरियस मेथड है, भोजन पकाने के बहुत से मेथड हैं और सम आर गिवन बिलो, कुछ जो है नीचे दिए गए हैं, ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसके जो पांच प्रकार के हैं जब नाम सुन लीजिए, बॉयलिंग एंड स्टीमिंग, रोस्टिंग, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग एंड बेकिंग, ये पांचों जो टाइप्स हैं हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आपको रिविजन कराया जा रहा है, जो इसके वर्ड मीनिंग है वो सब राइट कराया गया, उसको भी एक साथ लर्न करते चलिएगा और क्वेश्चन आंसर भी उसे देखते चलिएगा, ठीक है। और जो इसके गुड हैबिट्स हैं उसे भी आप अपना फॉलो किया करिए, ठीक है, जो चीज़ें बताई जाती हैं उसे भी आप क्या किया करिए, फॉलो किया करिए, ठीक है बेटा, बाय बेटा।